हेलो दोस्तों, तो फिर आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है व्हाई सी इज फास्टर देन जावा। ये वैसे अपन सबको सुना ही होगा कभी कि सी बहुत फास्ट होती है जावा सारी लैंग्वेजेस से, क्योंकि इसका कुछ रीजन है, बहुत ही सिंपल रीजन है। ये मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। तो क्या होता है, अपने जो कंप्यूटर होता है, जो अपना सीपीयू होता है, उसे बस समझ आता है 0 1 1 0, बस 0 एंड 1 उसे समझ आते हैं, और कुछ उसे समझ नहीं आता। और जो अपनी ये लैंग्वेजेस होती है, अपन ये लोग यही लैंग्वेजेस क्यों यूज करते हैं, अपन इसलिए यूज करते हैं कि अपन वो 0 1 का कोड जनरेट कर सके। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये जो अपना कंपाइलर होता है, अपना अपन कंपाइलर यूज करते हैं, बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं, तो उन कंपाइलर्स का यूज करके अपन इन लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं। और एक कंपाइलर के 6 फेजेस होते हैं जनरली। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इन कंपाइलर के थ्रू जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे अपन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जो अपने लो लेवल लैंग्वेज में, जो अपने सिस्टम को सीपीयू को समझ में आए। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अपने जो कंपाइलर होता है उसके जनरली 6 फेजेस हैं। वो है लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड जनरेटर। ये एक तरह से 6 फेजेस होते हैं कंपाइलर के। तो मैं आपको सब इन फेजेस का एक बार शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है। तो जो अपना लेक्सिकल एनालाइजर होता है, ये क्या करता है, पूरा कोड अपना स्कैन करता है और एक टोकन स्ट्रिंग बना देता है। जैसे इंट हुआ, वो एक अलग टोकन हुआ, ए बी सी कोई फंक्शन का नाम हो, ये सब। तो लेक्सिकल एनालाइजर इन सबको एक अलग तरह से एक टोकन स्ट्रिंग बना देता है पूरे की, और ये टोकन स्ट्रिंग ये सेंड करता है सिंटेक्स एनालाइजर को। तो सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, इस टोकन स्ट्रिंग को एक क्या, हर कंपाइलर की ग्रामर होती है जिसके थ्रू वो पार्स ट्री बनाता है। तो पार्स ट्री की डिटेल आप जब कंपाइलर को और डेप्थ में पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे कि पार्स ट्री और ग्रामर क्या होता है। तो मैं आपको बेसिकली ऊपर से बता देता हूं अभी। बस सिंटेक्स एनालाइजर उस लैंग्वेज के थ्रू, उस ग्रामर के थ्रू एक पार्स ट्री क्रिएट करता है, और ये चेक करता है कि वो सिंटेक्स तो सही है ना, जैसे कि सेमी कॉलन वगैरह कुछ गलत तो नहीं है। बस ये सिंटेक्स एनालाइजर चेक करता है। उसके बाद सिंटेक्स एनालाइजर ये पार्स ट्री, मॉडिफाइड पार्स ट्री सिमेंटिक एनालाइजर को भेज देता है। तो सिमेंटिक एनालाइजर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फेज है। एक सिंबल टेबल क्रिएट होती है अपने प्रोग्राम की। तो क्या होता है, सिमेंटिक एनालाइजर ये सिंबल टेबल क्रिएट करता है और इसमें इंफॉर्मेशन डालता है। मतलब सब फेजेस जा सकते हैं, पर सिमेंटिक एनालाइजर का मेन रोल होता है। जैसे ए बी सी ये कौन से टाइप के हैं, ये क्या है, वेरिएबल है, तो एक सिंबल टेबल जनरेट होती है जिसके थ्रू अपने कंपाइलर को पता होता है कि क्या क्या है। तो ये काम करता है सिमेंटिक एनालाइजर। और सिमेंटिक एनालाइजर एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, वो ये चेक करता है कि टाइप मिसमैच तो नहीं हो रहा है, जैसे कोई इंट फ्लोट में तो नहीं चला देगी। ये वाला काम भी सिमेंटिक एनालाइजर करता है। उसके बाद ये जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर पे। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर मतलब जो अपने टेम्पररी वेरिएबल्स हैं, इन सब चीजों को यूज करके, इन सब चीजों को, रजिस्टर्स वगैरह को यूज करके एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर देता है। उसके बाद ये कोड जाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन पे। जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन ये करता है, कोई टेम्पररी वेरिएबल अननेसेसरली तो यूज नहीं हो रहा, अगर मल्टीपल रिपीटेशन है तो उसका ये कम कर देता है। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद टारगेट कोड जनरेटर ये अपना 0 1 1 0 ये सब जनरेट करके जो कमांड अपन को सीपीयू को देनी है वो इसके थ्रू जाती है। ठीक है डन। पर अब आपको जो मेन अपना टॉपिक है, सी फास्टर क्यों होता है जावा से। तो क्या होता है, सी है ना वो असेंबली लेवल लैंग्वेज के बहुत क्लोज होता है, पर जावा थोड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये होते हैं सी में क्या होता है, ये जो ये सारे फेजेस एक साथ चलते हैं। ठीक है, मतलब और जो अपनी जावा में होता है, आपने सुना होगा जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होती है, क्योंकि जावा में ना ये 4 फेजेस होते हैं बस कंपाइलेशन में, और ये दो फेजेस होते हैं प्रोसेसिंग में। तो ये आपने सुना होगा। तो ये जो फैक्ट ये है कि सी का कंपाइलेशन टाइम ज्यादा है पर रनिंग टाइम कम है। ठीक है, और जावा का क्या है, उल्टा है। जावा का कंपाइलेशन टाइम बहुत कम है क्योंकि उसके पास 4 फेजेस होते हैं, पर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है। और तो क्या होता है, ये 4 फेजेस के बाद जावा कोड एक अपना बाइट कोड बनाता है जो अपन जेवीएम के थ्रू बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे रन होता है। तो जेवीएम का यूज यहां पे आता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड जनरेशन। तो ये जो रन करते हैं अपन तो जावा कोड, तो ये वाले जो है ये प्रोसेसिंग टाइम में होते हैं, और रेदर इन सी ये सब कंपाइलेशन टाइम में होता है। तो आप समझ सकते हैं सी इतना क्लोज है जीरो मतलब असेंबली लेवल लैंग्वेज के, इसलिए सी फास्ट होता है और जावा स्लो होता है सी से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सी इज बेटर देन जावा, ये बस एक ये है कि कंपाइलेशन में सी फास्टर होता है जावा से, और कोई ये नहीं है कि लैंग्वेजेस को इस बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, फंक्शनैलिटीज बहुत सारी चीजें आती है। तो बस ये था एक शॉर्ट सी वीडियो है, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बता दूंगा।